नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमारे पाठ्यक्रम के एक अति महत्वपूर्ण कवि कबीर पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कबीर की आलोचना, उनके विचार, उनके भाव, कला पक्ष पर बहुत लंबी बात की। और कल से हम कबीर की कविताओं के अर्थ तलाश रहे हैं। और कबीर की कविता क्या कहती है, क्या उसके मायने होते हैं, और कैसे कबीर की भक्ति भावना, क्योंकि जो हम अंश पढ़ रहे हैं उसमें मुख्यतः भक्ति भावना है, तो इसलिए कबीर की भक्ति भावना जो है वो एक मुख्य प्रश्न बनता है और वो इसी आधार पर बनता है। तो कल हमने सुमिरन का अंग के जो है प्रथम 7 शाखियाँ पढ़ी थी, आज उससे आगे हम बात करेंगे। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि चूंकि ये भक्त कवि एक ही तरह की बात कह रहे हैं, तो कई बार इनकी एक ही बात में रिपीटेशन है, कई बार उनका दोहराव है, तो वो हमें बार बार ऐसा लगता है कि ये बात पहले भी कह चुके हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है उनके अंदर, क्योंकि जब सुमिरन कौंग में सुमिरन ही तो होगा तो उस वो बार बार आएगा, तो उससे खैर हमें वो मतलब नहीं है। तो हमें मूल उसकी जो है सार पर जाना है, वो क्या कहना चाह रहा है कवि, उसको समझने की जो है बात है। 8वां साखी देखिए, मेरा मन सुमिरे राम, मेरा मन राम ही माही, अब मन राम ही है राया, शीश नवाओ काई। कबीर कहते हैं कि मेरा मन जो है वो राम को स्मरण कर रहा है, सुमिर रहा है, मेरा मन राम ही माही, और मेरा मन जो है वो राम में ही समा गया है, एक कम एक हो गए हैं, अब मन राम ही है राया, शीश नवाओ काय। और अब जो मेरा मन है वो राममय हो गया है पूरा, अब किसी को जो है शीश नवाने की जरूरत कहाँ है। मेरा मन सुमिरे राम, मेरा हृदय तो राम का स्मरण करता है। यहाँ राम कहने का अर्थ है कि दूसरी किसी ऐसी चीज के सामने वो सर नहीं झुकाता, जहाँ पाखंड है, अंधविश्वास है, या जहाँ तर्क नहीं है, जहाँ जो है एक तरह का लॉजिक नहीं है, वहाँ कबीर का जो है कोई और स्मरण ऐसा नहीं करते। और उनके मन में राम ही है, वही राम जो निश्चल जीवन है, जो समानता है, जो बराबरी है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देने वाला है, प्रताड़ित नहीं करने वाला है, और जो है अपने लिए एक परिश्रममय जीवन, एक सुख की रोटी खाना, जो अपनी कमाई से जो हो, वही सब कबीर की भक्ति के कुछ ये तत्व हैं जिनसे ही उनका राम बनता है। अब मन राम ही है रया, शीश नवाओ काय। और मेरा ये ऐसी जीवन जीते जीते मनुष्य स्वयं जो है एक राममय हो जाता है, तो फिर किसी दूसरे को सिर झुकाने की जरूरत काहे पड़ेगी। जब हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमें महसूस होगा कि ये गड़बड़ हुई है, तभी तो हम किसी के आगे शीश झुकाते हैं। शीश झुकाना कब होता है? जब आपका कोई स्वार्थ है, जब आपको कोई कमी पूरी करनी है, या आपका अंदर से कोई फायदा किसी का है, तभी तो आप दूसरों के आगे वो झुकाव वाली मुद्रा, वो बात आती है। अगले साखी में क्या कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, तित देखो तित तू, तू तू करता तू भया। यानी कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम लेते 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 स्वयं भक्त जो है वो ईश्वर जैसा हो जाता है, एक उसमें हो जाता है, और मुझमें रही न हूँ। ये जो हमारे मनुष्य के अंदर क्या होता है ना, जन्म के साथ ही कई चीज़ें ईश्वर जैसे कहते हैं ना प्रोजेक्ट करके भेजता है, उसमें सबसे बड़ा एक होता है अहंकार, जो 16-17 साल की आयु से जबरदस्त रूप लेने लगता है। बचपन में नहीं होता है, बचपन में बच्चा लड़ता है, वापस साथ खेलने लग जाता है, बच्चे में लड़ाई भी हो जाती है, सर भी फूट जाएगा, लेकिन अगले दिन दोनों साथ खेल रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये नहीं आता। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है, अरे भाई 10-10 साल बात नहीं करते हम, किसी छोटी बात पे कोई बात हो जाती है तो ये जो हूँ है मैं क्यों बात करूँ। और ये पुरुषों में प्राय ज़्यादा होता है, इसको कृपया ऐसा नहीं सोचिएगा, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेरेटिव बात करें तो स्त्रियों में कम होता है। स्त्रियां झगड़ा करेगी और 2-3 दिन बाद वापस मिल भी जाती है, ऐसा वो नहीं रखती। पुरुषों में अगर वो बात आ गई तो वो फिर जो है वो उसका सीधा संबंध अहम से जुड़ जाता है। तो वही हूँ, वही मैं तू जो होता है, वारी फेरी बड़ी गई, जित देखो तुत तू। और ये जो बार बार आने जाने का चक्कर था, वारी फेरना मतलब ये जो हमारे जन्म जन्म का चक्कर है, जो जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, ये सब बली गई, ये सब जल गई, समाप्त हो गई, ये सब चीज़ें, जित देखो तित तू। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तो ईश्वर नज़र आता है। यानी जो भी हमें जो भी जो है
मनुष्य के रूप में जो भी हमें ऐसा लग रहा था, वो हमारा अहंकार अगर समाप्त हो जाता है, और ईश्वर और हमारे बीच में प्रेम में अहंकार ही एक दीवार होती है, अगर वो गिर जाती है तो फिर हमारा जो है, हमारे कोई वो जो है नहीं रहता हमारे और उसके बीच में, और फिर हम उसके जैसा ही हो जाते हैं, और फिर ये जो जन्म के चक्कर होते हैं जो इधर उधर के, वो सब खत्म हो जाते हैं। अगली साखी में क्या कहते हैं कबीर, कबीर निर्भय राम जपू, जब लगी दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोवे गा दिन राती। कबीर कह रहे हैं निर्भय होके राम का जप करो, किसी से डरना नहीं है, और भक्त कवि वैसे भी किसी से नहीं डरते, उनको बादशाह और सबका डर दिखाया गया और उनको पता नहीं किस किस का डर दिखाया गया, वो कभी नहीं डरे। सिकंदर लोधी से कबीर नहीं डरे थे और ना उसके सामने जाने से हिचके थे, वो दूसरे लोग डरते होंगे, कबीर किस बात पे डरे। तो कबीर निर्भय राम जपो, कबीर कहते हैं निर्भय होके राम का जप करो, जब लगे दीवा बाती। एक बिंब खड़ा करते हैं आपके सामने, एक प्रतीक लाते हैं, जैसे कि दिया के अंदर बाती लगती है, तो वो बाती कब तक लगती है, जब तक तेल होता है तब तक रोशनी रहती है। वैसे हमारा मनुष्य शरीर है, दिया है हमारा शरीर, बाती है हमारा मन है, आत्मा है, जब तक ये दोनों साथ हैं तब तक ईश्वर का नाम ले लो, एक बार शरीर खत्म वो बाती भी बुझ जाएगी, आत्मा अलग शरीर अलग, तो फिर कुछ नहीं होता है, फिर कोई भी वो नहीं है, या रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिटायर होने के बाद भक्ति कर लेंगे, या वो मामला नहीं है भाई भक्ति के क्षेत्र में, शरीर के मामले में, जब तक दिया बाती है तब तक कर लो, और नहीं तो फिर जो है तेल घटे बाती बुझे, तेल खत्म हो जाएगा बाती बुझ जाएगी, सोवेगा दिन राती, फिर केवल सोने का काम बचेगा, फिर मतलब आप कुछ भी जो है करने के उस तरह से नहीं रहोगे, जब तक आपका शरीर है, ईश्वर को याद कर लीजिए, ऐसा कर्म कर लीजिए कि लोग आपको याद करें, आपको बात करें, फिर कुछ नहीं होता है। हम अक्सर, हमारे एक मानवीय स्वभाव की प्रवृत्ति है कि हम हर वस्तु को जो है बाद में करने की सोचते हैं, और मतलब जीवन पर्यंत तो जो है पूरा भ्रष्टाचार का जबरदस्त करेंगे, और फिर आखिर में जाके जो है कि अब भक्ति करनी, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको भक्ति करनी है, अगर आपको बराबरी समानता का व्यवहार करना है, तो आज से अभी से करो, बाद में कुछ नहीं है, बाद में वो केवल एक पाखंड होता है कि चूंकि आप अब गिल्ट कॉन्शियस में आ गए हो तो अब मुझे वो करना चाहिए। अगला देखिए, कबीर सूता क्या करे जागी ना जपे मुरारी, एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव सारी। कबीर सूता क्या करे, सोना एक संतों के यहाँ आप जानते ही हैं, वैसा वैसा नहीं सोना, तकिया चादर खींच के वो सोना नहीं है, जागते हुए सोना, यानी आपको पता है कि हमें ईश्वर का नाम लेना है, हमें ऐसा जीवन जीना है संतों का जैसा, लेकिन हम वो जानते हुए भी सोने का प्रयास करते, यानी बेखबर रहते हैं। दुनिया में ये सब दौड़ रहे हैं, देख दे आप चारों ओर जगते फिरते लोग दौड़ते ही हैं ना, तो ये संतों के हिसाब से ये सोए हुए लोग हैं। सोने का मतलब वो नहीं है कि रात को 11 बजे आप तकिया और चादर डाल के सो गए, वो नहीं, संतों के हिसाब से दिन के 12 बजे भी जो फाँ फू करता दौड़ रहा है इधर से उधर, उसको पैसा मार रहा है, उसका ये कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है, उसका ये कर रहा है, उसकी किडनी निकाल के बेच रहा है, उसका वो कर रहा है, उसका ये तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो हर तरह के वो कर रहे हैं, ये सोए हुए ही हैं, ये सब जो मनुष्यता की हत्या करते हैं वो सोए हुए ही हैं सब, तो वो जगे हुए नहीं हैं। तो कबीर उनके लिए कह रहे हैं कि भाई अब उठ जा, सूता क्या करे, अब तो जग जा भाई मेरे, जागी ना जपे मुरारी, अरे ईश्वर को अभी भी याद कर ले, एक दिन सोवन होएगा लंबे पांव पसारी। और अंत क्या है, हमारी भारतीय भक्ति धारा, हमारा भारतीय दर्शन चिंतन ऑलवेज संतोषी को क्यों कहते हैं संतोषी सदा सुखी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, आप क्या क्या मतलब सोचोगे, मनुष्य उस आखिरी दिन क्या सोचता है, यही सोचता है अरे यार यूँ ही व्यर्थ इतना वो किया, आखिर में आप क्या सोचते हो, अरे यार उस दिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, मैंने उसके वो ये करके, और हम कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, आप अखबारों में रोज़ पढ़िए खबरें, इतनी संवेदनाहीन खबरें आती है कि छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया किसी ने, उसको मार दिया, कोई अपनी नौकरी लेने के लिए पिता तक को मारने का प्रयास कर रहा है, मरवाने का, मतलब हम किस हद तक आ चुके हैं। अंत में क्या होता, अंत में आप वही तो पश्चाताप करोगे कि यार मैंने आज से 20 साल पहले
उसका पैसा लेके भाग गया था। ये जो चीज़ें हैं, और फिर अंत तो वही, सबको ही वही 1x2x6 के उस चीता पर लेटना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। या कोई दूसरे आप होंगे तो कब्र में जाएंगे, वहीं वो 2x6 की वहाँ वो मिलेगी, अंत तो सबका वही है। अगला साकी देखिए, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुरा ताही के संग लागी। कबीर कह रहे हैं कि सोता तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं देख के जगता, क्यों नहीं दूसरों को देख कर भी जगता, क्यों नहीं ऐसे लोगों को देख के जगता जो ईश्वर की राह पर चल रहे हैं, जो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो जिसमें शब्द और कर्म का फर्क नहीं है, जहाँ में जिसमें जो है किसी की किसी को मार कर या किसी को नुकसान पहुँचा कर उन्होंने जो है वो अपना जीवन नहीं बनाया है, वो एक सदगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर जो चल रहे हैं। जाका संग ते बिछुड़ा ताई के संग लागी, और अंत तक कहाँ जिससे हम बिछुड़े हैं उसी के संग जाके वापस लगना है। यानी मनुष्य कहाँ से आया है, ईश्वर की एक सृष्टि माना जाते हैं हमारे दर्शन में कि ईश्वर का एक अंश है, एक उस सृष्टि का एक परमात्मा का ही अंश इंसान है, और वो जब जन्म लेता है तो वहीं से अलग होके आता है, और जब मृत्यु होती है तो वापस वहीं जाता है। यही तो हमारा दर्शन कहता है। तो अंत में आपको क्या होना है, वापस वहीं जाना है जिससे बिछुड़े थे, वहीं वापस जो है जहाँ से आपने उदयपुर रेलवे सिटी स्टेशन से यात्रा की है, वापस घूम के भी वहीं आना है। तो जब वापस वहीं आना है जहाँ गए थे, तो फिर क्यों इतना जो है ये सब कर रहे हो, क्यों नहीं भगवान का नाम लेते, ईश्वर का नाम लेना। अगला देखिए, कबीर सूता क्या करे उठी किन रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर क्या कहते हैं, सूता क्या करे, मैंने बार बार आपको कहा है कई चीज़ों की पुनरावृत्ति होती है संतों के या कई विचारों की बार बार होती है। किन रोवे दुख, और किसका तू दुख कर रहा है, किसके लिए तू मतलब किसके लिए तू रोए जा रहा है, किसके लिए तू क्यों नहीं तू जो है ऐसा सोच रहा है, सोए जा रहा है, मतलब बेफिक्र है सभी चीज़ों से। जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख, और गौर मतलब कब्र, जिसका हर एक मनुष्य का वास जो है कहाँ है, अंत समय में कब्र में मृत्यु में, तो कैसे सुख से सो सकते हो। यानी बार बार ये जो संत कवि है हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि हर मनुष्य का, चाहे कोई कितना करोड़पति अरबपति कैसा ही धन फन किया हुआ, कितना ही ताकत से कितने ही लोगों को कुछ भी किया होगा, लेकिन उसका अंत जो है वो वहीं पर है गौर में, ये एक बड़ी बात है। तो उसको हम कल्पना करें, उसकी हम चिंता करके आज से हम अपने आप को बदलें और अपने जीवन को एक अलग जो है स्वरूप में ढालें, ये कबीर कहना चाह रहे हैं। अगली साखी देखिए, कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाए, तेरे सिर पर जम खड़ा खरच कदे का खाए। यमराज आप जानते ही हैं, अपने यहाँ भारतीय दर्शन में माना जाता है मृत्यु के देवता हैं। अंतिम समय में चित्रगुप्त जी आपका अकाउंट जो है वो पूरा हिसाब किताब करके क्लोज कर देते हैं, और यमराज जी के जो फिर शिष्य यमराज जी कई बार खुद भी आ जाते हैं और आपको लेकर चले जाते हैं। वही बात कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाए, तू ईश्वर के गुण गा, सोता सोता क्या कर रहा है, तेरे सिर पर जम खड़ा खरच कदे का खाए। तुम्हारे सर पर सदैव हमेशा एक यम खड़ा है, यमराज खड़ा है। हम नहीं कह सकते हैं ना, मैं आज क्लास ले रहा हूँ, भरोसा है क्या कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, किसी का नहीं पता है, किसी की काल मृत्यु दुर्घटना ये हमें नहीं ज्ञात है, कभी भी किसी के साथ भी हो जाती है। तो जब हमें पता है कि जीवन क्षण भंगुर है और यम हमारे द्वार पर कभी भी आ सकता है, कभी भी खड़ा है, तो फिर क्यों नहीं हम जग रहे हैं, क्यों नहीं हम जो है भक्ति की राह पकड़ रहे हैं, वो कभी आपका जो हिसाब किताब होगा वह कर देगा, और फिर जो है करने के लिए हमें फिर ईश्वर भक्ति का समय नहीं मिलेगा, हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे जैसे इस संसार में आए थे। तो इस प्रकार जो है कबीर इन साखियों के द्वारा स्मरण ईश्वर को बार बार हमें ये एक चेतावनी दे रहे हैं, हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हर संत कवि यही करता है, हमारे माता पिता की तरह जो हमें भी बार बार कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, वो क्यों, क्योंकि वो आपके हितेशी होते हैं,
वो भी तो आपको जगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, सालों से वो जान रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं। और आपके लिए भक्ति क्या है? आपका अध्ययन, आपका विद्या अध्ययन, ये अभी आपके लिए भक्ति है, ये अभी आपके लिए जो है एक जो है राह दिखाने वाली जगह है। तो आज इतना ही, कल और इस पर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।